हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, अब आपके रिजल्ट निकल चुके हैं और रिजल्ट कैसे भी हो, पढ़ना तो आपको है ही है और ये डीलेट जो है वो कंप्लीट भी करना है। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो वीडियो है वो है 504 यानी मैथ से, क्योंकि आप कह रहे हैं मैथ आपके लिए बहुत टफ जा रही है, इसलिए इसी की वीडियो में लेके आ रही हूँ। MCQ क्वेश्चन है रिविजन टाइम के अंतर्गत, संभावित प्रश्न है और कम टाइम के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो बहुत कम बचा हुआ है। और पार्ट की अगर बात करें तो 8 है, इसके पहले अदर पार्ट भी इसके डले हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं उनका लिंक दे दूंगी और मैं प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगी। हालांकि सभी वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे रहते हैं, तो आप वहां से भी जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी जो प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 50 कोड के। तो चलिए आइए ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से दूर मापक क्या है। अब आपको बताना है कि इसमें दूर मापक क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको गिस करने का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि आप ऑलवेज कहते हैं कि आपको गिस करने का टाइम नहीं मिलता है और हम आंसर बता देते हैं। तो चलिए आप गिस करिए कि निम्न में से दूर मापक क्या है, लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन देख रहे हैं सामने हैं, लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, आपने गेस कर लिया होगा, वो होगा आपका डी, उपयुक्त सभी, यानी लंबाई, चौड़ाई और त्रिज्या से जो है ये चीज़ें मापने की यूज में आती है, मापी जाती है, तो इसको दूर मापक कहते हैं। दूर मापक का मतलब दूर तक का होता है, लंबाई है, चौड़ाई है किसी भी चीज़ की, एक छोर से दूसरे छोर तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्न में आंकड़े के स्रोत क्या है। अब आपको बताना है कि जो निम्न ऑप्शन दिए हैं इनमें आंकड़े के स्रोत क्या है, यानी आंकड़े कहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं, प्रत्यक्ष आंकड़े, अप्रत्यक्ष, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, आंकड़े जो होते हैं, आप तब तक गेस कर लीजिए इसका आंसर। आंकड़े जो होते हैं तो दो जगह से इकट्ठे किए जाते हैं, दो स्रोत होते हैं इसके इकट्ठा करने का, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो अब तो आंसर आपको 100% मिल ही गया होगा। राइट आंसर जो है वो होगा आपका सी, उपयुक्त दोनों आंकड़ों के स्रोत हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। अब आपको बताना है, और इसीलिए हमने कहा था कि इस बार के जो क्वेश्चन है आपके मैथ के बिल्कुल अलग और हटके हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये मैथ है। तो एक वर्ग के प्रत्येक, एक वर्ग है उसकी जो भुजा है, हर एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा आपको बताना है। 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी 8 सेंटीमीटर। और हम लोग जनरली लंबाई चौड़ाई की जब बात करते हैं तो उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई जो इसमें फार्मूला यूज होता है वही होगा। और एक भुजा की लंबाई दी हुई होती है तो फिर तीन भुजाओं की हमें निकालनी होती है, चार भुजाएं होती हैं वर्ग में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूलभूत शैक्षिक सिद्धांत कितने होते हैं। अब ये आपको बताना है, तो आप गेस करिए मूलभूत शैक्षिक सिद्धांत, तो ए, एक, दो, तीन या चार। तो देखिए जो मूलभूत शैक्षिक सिद्धांत है आपने गेस कर लिया होगा, इसके जो आंसर राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी मूलभूत शैक्षिक सिद्धांत तीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक आकलन के उद्देश्य कितने भागों पर बल देते हैं। सतत एवं व्यापक आकलन के जो उद्देश्य है वो कितने भागों पर बल देते हैं, एक, दो, तीन या चार भागों पर। अब आपको बताना है, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो देखिए सतत एवं व्यापक आकलन के जो उद्देश्य होते हैं वो दो भागों पर बल देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, दो। लंबाई की अमानक माप के लिए शरीर के किन किन अंगों का उपयोग प्रचलित है। अब ये क्वेश्चन को समझिएगा, लंबाई की अमानक माप के लिए शरीर के किन किन अंगों का उपयोग प्रचलित है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, अंगुली, हाथ, कदम, सभी। देखिए लंबाई की अमानक माप के लिए अगर कोई भी आपके पास चीज़ मापने का नियंत्रण नहीं होता है तो जनरली इंसान किन चीज़ों से उस चीज़ को माप लेता है और कहता है कितने के बराबर ये होता है। तो
तो देखिए, हम उंगली से भी उस चीज़ को मापते हैं और हाथ से भी और कदम से भी। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सभी का, क्योंकि इन चीज़ों से ही हम जनरली माप को करके बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रा लेख के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, इसके बारे में क्या सत्य है अब आपको बताना है, यानी ये कहाँ यूज होता है। तो इसका प्रयोग मैगजीन व समाचार पत्रों में किया जाता है। इसको बनाने में समय लगता है। इसमें एक से लेकर अनेक प्रतीकों का प्रयोग होता है। चित्रलेख की यहाँ पे बात चल रही है, चित्र आलेख, चित्रालेख यानी चित्र और आलेख साथ में जो होते हैं उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो चलिए आप देख लीजिए जल्दी से, और आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। यानी चित्र आलेख का जो यूज होता है, तो मैगजीन समाचार पत्रों में भी हम देखते हैं, आलेख के साथ में बॉक्स में या कॉलम में लेख के साथ में जी जो होता है चित्र होते हैं, और बनाने में समय तो इसको लगता ही है, और एक से लेकर अनेक प्रतीकों का भी प्रयोग होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित अवधारणा को सीखने के कितने तरीके हो सकते हैं? गणित अवधारणा को सीखने के कितने तरीके हो सकते हैं अब आपको बताना है। तो एक, अनेक, चार, पांच। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो गणित अवधारणा को सीखने के आंसर होगा इसका राइट बी, यानी अनेक तरीके हो सकते हैं। ठीक है, गणित अवधारणा क्या है, वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके, और प्लेलिस्ट में कोड 504 के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और मैंने लेक्चर दिया है गणित अवधारणा के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुबा व लिंकन के अनुसार मूल्यांकन कितने प्रकार की सूचनाएं सृजित करते हैं? अब आपको बताना है कि जो गुबा और लिंकन थे, इनके अनुसार मूल्यांकन जो होता है कितनी प्रकार की सूचनाएं सृजित करते हैं, निर्माण करते हैं? 5, 6, 7, 8। ऑप्शन आपके सामने हैं, और आंसर है आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि गुबा व लिंकन के अनुसार मूल्यांकन जो है 5 प्रकार की सूचनाएं सृजित करते हैं। समानते है, मीटर क्षण का उपयोग कौन करता है? अब आपके सामने ऑप्शन है, बहुत इजी है, कपड़ा व्यापारी, फैशन डिजाइनर, बढ़ई, लुहार। मीटर क्षण का उपयोग कौन करता है? तो मीटर जो होता है किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कपड़ा मापने के लिए, है ना? तो राइट आंसर कपड़ा व्यापारी होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए फैशन डिजाइनर बढ़ई लुहार भी दिया है। तो देखिए, फैशन डिजाइनर बढ़ई लुहार का जो काम होता है वो आपका जो इंची टेप होता है उससे इनका काम होता है, और जो कपड़ा व्यापारी होता है वो आपका स्केल की तरह जो मीटर क्षण होता है उससे ये माप का काम करते हैं। ओके, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, इसका राइट आंसर होगा कपड़ा व्यापारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतीक जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता किंतु आवश्यकता अनुसार उसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन को समझिएगा कि एक ऐसा प्रतीक है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, उस प्रतीक चिन्ह को क्या कहते हैं? चर, अचर, द्विपद, बहुपद। तो आई थिंक आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी चर। चर जो होता है इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, और ये जो आपके सांख्यिकी होती है इसमें यूज किया जाता है, और आवश्यकता अनुसार उसे संख्यात्मक मान यानी संख्या का मान दिया जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य और अभाज्य, ठीक है, सम, विषम। तो आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, बहुत ही आसान है, 2, 3, 1, 0। अगर हम ये जान लें कि अभाज्य संख्या होती क्या है, तो बहुत आराम से इसे कर सकते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल अपने से या फिर एक से ही भाज्य होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी सिर्फ अपनी संख्या से और एक से विभाजित हो सकती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका जो राइट यहाँ पे देखिए, आप 2 कहेंगे लेकिन 2 नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या की अगर परिभाषा देखी जाए तो ऐसी संख्या जो अपने से और एक से विभाजित हो रही हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे 2, 3 तो हो ही रही है, लेकिन 2 के नीचे 1 है जो अपने से और एक से भी विभाजित हो रहा है। तो राइट आंसर 1 जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण किसे कहते हैं? अब आपको बताना है कि समकोण जो होता है किसे कहते हैं, कोण का माप जिसका 90 डिग्री हो, या कोण का माप जो 60 डिग्री हो, या फिर 120 डिग्री, या फिर 180 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो बहुत आसान है ये और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको, तो जो आपने आंसर जो है सेलेक्ट कर लिया होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। कोण का माप जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोण समकोण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, तो इसमें से समकोण के बारे में पूछा गया, तो आप न्यून कोण और अधिक कोण भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक कोण किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि अधिक कोण किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है 90 डिग्री से 180 से कम, यानी 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, 30 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम, 45 डिग्री से अधिक लेकिन 120 डिग्री से कम, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, अधिक कोण किसे कहते हैं, आपने आंसर इसका सेलेक्ट कर लिया होगा, और इसका राइट आंसर है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम को अधिक कोण कहते हैं। ओके, 90 डिग्री समकोण और 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 से कम है, वो आपका अधिक कोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉपी पर खींची रेखा की लंबाई या छोटी वस्तु की लंबाई ज्ञात करना हो तो कितने सेंटीमीटर का स्केल का चुनाव उपयुक्त होगा? कॉपी पर जो हम लोग कोई भी जनरली स्केल, जिस स्केल का हम यूज करते हैं, ठीक है ना, उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कितनी सेंटीमीटर के स्केल का चुनाव करना होता है, कितने सेंटीमीटर की स्केल होती है, क्योंकि जो घर में हम लोग पढ़ने के लिए स्केल जो यूज करते हैं वो अलग ही होती है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5, 4 सेंटीमीटर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बहुत इजी है, और ये तो हम देखते हैं, हमारे करीब ही रहती है, घर में रहती है, बच्चों के पास होती है। तो देखिए, जो कॉपी पर खींची रेखा की लंबाई या छोटी वस्तु की लंबाई ज्ञात करना हो तो आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि वह अंक जहाँ सभी अंक केंद्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? अब आपको उस अंक को बताना है जहां पर सभी अंक केंद्रित हों, एक साथ रखे गए हों, उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति, मध्यमिका, बंटन, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान है और अपने नाम से ही ये बहुत चरितार्थ है, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि वह अंक जहां सभी अंक केंद्रित होते हैं, ये वर्ड थोड़ा सा है, थोड़ा सा ट्रिक भी मिल जाता है इन चीज़ों से। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर, अब आपने तो 100% सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, त्रिभुज के वर्गीकरण के बारे में क्या सत्य है? अब आपको बताना है कि त्रिभुज का जब वर्गीकरण करते हैं उसके बारे में क्या सही है। तीनों कोण न्यून यानी न्यून कोण त्रिभुज, एक कोण समकोण यानी समकोण त्रिभुज, एक कोण अधिक कोण यानी अधिक कोण त्रिभुज, उपयुक्त तीनों सत्य हैं। क्या सही है, जो डिफिनेशन दी हुई है क्या ये सही है, इनमें से कौन सा सही है? आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अभी तक में, तो चलिए मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर जो है वो डी होगा, यानी उपयुक्त तीनों सत्य हैं। तीनों कोण न्यून होते हैं उसे न्यून कोण का त्रिभुज कहते हैं, जिसमें एक कोण समकोण होता है उसे समकोण का त्रिभुज कहते हैं, और एक कोण इसमें अधिक होता है उसे अधिक कोण का त्रिभुज कहते हैं। ये तीनों जो त्रिभुज होते हैं इनकी डिफिनेशन यहाँ पे दी गई है। निम्न में से क्या असत्य है? समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो, विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर, और वृत्ताकार त्रिभुज, वृत्त के अंदर बना त्रिभुज। अब इसमें से क्या असत्य है, यानी क्या गलत है? जो डिफिनेशन ये दी गई है कि समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, असमबाहु और वृत्ताकार त्रिभुज किसे कहते हैं, इनमें से किसकी गलत डिफिनेशन दी है, परिभाषा दी है आपको, वो बताना है, अर्थ दिया हुआ है। आंसर आपने अभी तक में सेलेक्ट कर लिया होगा, तो देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी वृत्ताकार त्रिभुज, यानी वृत्त के अंदर बना त्रिभुज जो होता है वृत्ताकार त्रिभुज नहीं होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये जो है डी असत्य है। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर कितने एकड़ का होता है? अब आपको बताना है, 2.471 एकड़, 2.57 एकड़, 2.67 एकड़, 2.75 एकड़।
ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2.471 एकड़। 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होते हैं। 2.471 हेक्टेयर इक्वल टू 1 एकड़। घनाभ के आयतन का क्या फार्मूला होता है? अब आपको फार्मूला यहाँ पे बताना है जो आपका घनाभ है उसके आयतन का। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपने आंसर इसका सेलेक्ट कर लिया होगा कि घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। यदि कोई बाल्टी 1 लीटर के 20 बोतलों से भरती है तो बाल्टी की धारिता क्या हुई? अब आपको बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि कोई बाल्टी 1 लीटर के 20 बोतलों से भरती है, यानी 20 बोतल से भरती है और जो बोतल है 1 लीटर के हैं, तो बाल्टी की धारिता क्या हुई? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर, जितने लीटर पानी भरे जाएंगे उतने ही लीटर बाल्टी की धारिता होगी। तो आंसर आपको मिल गया होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका 20 लीटर, और 20 बोतलों से भरती है जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, 1 लीटर का होता है, ठीक है? तो 20 लीटर बाल्टी की धारिता हुई। निम्न में अमापक इकाई कौन सी नहीं है? अब अमापक इकाई, जो मापक और अमापक इकाइयाँ होती हैं उनमें से अमापक इकाई कौन सी नहीं है, ये बताना है। चम्मच, कप, थैला, बाट। तो राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बाट। जो है वो अमापक इकाई नहीं है, यानी ये मापक इकाई है, बाट से हम मापते हैं, और चम्मच, कप और थैला जो है इनसे मापक का काम नहीं होता है, तो अमापक इकाई जो है वो बाट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे गुजारिश से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि रिजल्ट को लेके आप ज़्यादा परेशान ना हो। आपका काम जो है ईमेल या फिर आपके कोऑर्डिनेटर और आरसी से ही हो सकता है, तो अपने आरसी से कॉन्टेक्ट करें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि आपके पास अब टाइम रह गया है कम, तो कम टाइम में सिर्फ रिवीजन ही हो सकता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।